इंदौर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर गुटखा तस्करों पर कार्रवाई जारी है। 16 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। डीजीजीआई और डीआरआई की टीम ने 225 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी है। सामवे रोड स्थित गोदाम से 2 करोड़ रुपए का माल सीज किया गया है। गुटखा तस्करी मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। संवाददाता पीयूष पारे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या अपडेट है इस पूरी कार्रवाई के बारे में? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर जो गुटखा तस्कर है उनके खिलाफ लगातार डीजीजीआई और जो डीआरआई की टीम है वो शिकंजा कस रही है, और सूचना के आधार पर पिछले दिनों जिस तरीके से यहाँ पर गुटखा तस्करों को हिरासत में लिया था, उन्हीं के निशानदेही पर ये एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर अंजाम दी गई है। 9 माह में 225 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा रोमिता हुआ है, और ये टैक्स चोरी 400 करोड़ की हो सकती है, ऐसा अनुमान भी है। पूरे मामले में फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से एक जो व्यक्ति है वो पाकिस्तान का नागरिक भी बताया जा रहा है। फिलहाल कार्रवाई लगातार जारी है, और अगर हम लोग बात करें तो तकरीबन यहाँ पर 2 करोड़ 90 लाख रुपए जो है बरामद भी कर लिए गए हैं। 10 ट्रक माल जब्त भी कर लिया गया है, और इसके साथ ही जो अब तक लोग फरार हैं उनकी भी यहाँ पर तलाश की जा रही है। तो एक बड़ी कार्रवाई है, और लगातार इस कार्रवाई में बड़े चौंकाने वाले खुलासे आने वाले दिनों में भी होंगे। रोमिता, चलिए बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए।